हेलो एवरीवन आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं व्हाट आर द टॉप यूके यूनिवर्सिटीज़ दैट डोंट रिक्वायर आयल्स सो क्या यूके में इट्स पॉसिबल टू स्टडी विदाउट आयल्स सो द आंसर इज़ यस अगर आपको ऐसी ही इंफॉर्मेशन अपडेट्स चाहिए तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं आइकन को प्रेस कर सकते हैं तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं और सबसे पहले समझते हैं कि आयल्स होता क्या है आइल्स बेसिकली एक ऐसा इंग्लिश का एग्ज़ाम है जिससे आपकी इंग्लिश एलिजिबिलिटी प्रूव होती है इंग्लिश एलिजिबिलिटी रिक्वायर्ड होती है बिकॉज़ आप जब बाहर पढ़ने जाते हैं तो एवरी थिंग इज़ इन इंग्लिश सो आपको सारी स्टडीज़ सारा एकेडमिक सब कुछ इंग्लिश में होता है तो यूनिवर्सिटीज़ वॉन्ट टू नो कि क्या बच्चा समझ पाएगा इंग्लिश एकेडमिक इंग्लिश स्पीकिंग रीडिंग राइटिंग लिसनिंग सो so, ये सब असेस करने के लिए कुछ एग्ज़ाम्स होते हैं जैसे यू के कैनाडा में आयल्स ज़्यादा पॉपुलर है यूएस में टॉफिल ज्यादा पॉपुलर है बट यू के यूनिवर्सिटीज़ ने एक और कंडीशन निकाली है अगर आपके ट्वेल्थ में सेवेंटी टू सेवेंटी फाइव परसेंट मार्क्स से ज़्यादा है इन इंग्लिश सब्जेक्ट तो आप आयल्स फेवर ले सकते हो एस वेवर लेने के लिए आपको एक स्कूल से एम ओ आई सर्टिफिकेट लेना होता है सो एम ओ आई मीन्स मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन सर्टिफिकेट बेसिकली ये एक ऐसा सर्टिफिकेट होता है जिसके अंदर स्कूल के प्रिंसिपल आपको लिख के देते हैं दैट दिस स्टूडेंट हैज स्टडीड फ्रॉम नर्सरी टिल ट्वेल्थ इन इंग्लिश अगर आपने मल्टीपल स्कूल्स ज्वाइन कर रखे थे तो आपको ईच इंडिविजुअल स्कूल से लाना होता है ये एम तो बेटर रहता है तो वीज़ा में प्रॉब्लम नहीं रहती है कुछ कुछ यूनिवर्सिटीज़ सिर्फ लास्ट के जो ईयर्स होते हैं दैट इज़ नाइन टेंथ एलेवन ट्वेल्थ उसका एम भी एक्सेप्ट कर लेते हैं सो so जानते हैं वो कौन कौन सी यूनिवर्सिटीज़ है जिनमें आपको आयल्स नहीं देना पड़ता है सो यूनिवर्सिटी ऑफ एसेक्स यूनिवर्सिटी ऑफ ग्रीनबिच स्वेंसिया यूनिवर्सिटी यूनिवर्सिटी ऑफ नॉर्थ हेम्पटन प्लाई माउथ नॉर्थम्बरिया नॉर्थम्बरिया एक बहुत ही फेमस यूनिवर्सिटी है University ऑफ Geneva, लंडन साउथ बैंक यूनिवर्सिटी यूनिवर्सिटी ऑफ बोल्टन यूनिवर्सिटी ऑफ ब्रिस्टल वॉरविक Sheffield, Hallam, एस्टन Bangor एंड Brunel यूनिवर्सिटी सो so, अब बात आती है कि क्या आपको यूके वीज़ा मिल सकता है विदाउट एनी आइल्स? तो आंसर इज़ यस अगर आप अपने यूनिवर्सिटी को एम सर्टिफिकेट दे देते हो और यूनिवर्सिटी आपको ऑफर लेटर दे देती है तो यू का वीज़ा भी आप अवेल कर सकते हो हालांकि उसकी कुछ कंडीशंस होती हैं कि उसके अंदर जो इंटरव्यू है वो आप क्लियर होने चाहिए हों इंटरव्यू में बेसिकली आपको एसेस किया जाता है आपकी इंग्लिश एबिलिटी पर इंग्लिश कम्युनिकेशन स्किल्स पर पर अगर आप वो पूरी कर लेते हो एंड इफ़ योर इंग्लिश इज़ नाइस अगर उन्हें समझ आती है इफ़ यू इफ़ दे थिंक कि आपको भी इंग्लिश समझ आती है तो दे विल अप्रूव द एम्बेसी विल अप्रूव योर वीज़ा सो ऐसे ही इन्फॉर्मेशन अपडेट्स के लिए बने रहिए हमारे चैनल पे हमें सब्सक्राइब कीजिए बेल आइकन को प्रेस कीजिए लाइक कीजिए कमेंट कीजिए कि आपको और कौन से टॉपिक्स पे वीडियोस चाहिए हमने वीडियो कंसल्टेशन ऑन कर दी है तो आप आज ही हमारे बुकिंग कंसल्टेशंस कर सकते हैं और ऐसे ही वीडियोज़ के लिए हमें लाइक करते रहिए सपोर्ट करते रहिए थैंक यू